चाहे बच्चन साहब की आप करें चाहे हम करें, बच्चन साहब अपनी बात खुद अलग तरीके से रखते आए हैं। बिग बी स्पेशल प्रोग्राम में है दोस्तों आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ यह खास प्रोग्राम बिग बी स्पेशल आपके फेवरेट महानायक को लेकर। महानायक की जिंदगी भी बड़ी रंगीन है, काफी उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन अपनी जिंदगी के हर छोटे छोटे लम्हों को सोशल मीडिया पर व्यक्त करने वाले और अपने करोड़ों फैंस के बीच अपने दिल की हर बात दिल खोल कर रखने वाले बिग बी का कई बार ट्वीट करना उन पर ही भारी पड़ जाता है, लेकिन ट्रॉलर्स वो जवाब देकर अपने मन को हल्का करते हुए खुद बिग बी भी कई बार ट्रॉलर्स के बीच खुद निशाने में आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो में बिग बी स्पेशल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ कुछ ट्रॉलर्स को अमिताभ बच्चन का जवाब दिखाने के लिए, वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें आप देखेंगे कि बच्चन साहब का जवाब उन पर कई बार भारी पड़ता है, तो कई बार फैंस को उन पर नाज करने के लिए बार बार मजबूर करता है। कैसे वो इंस्पिरेशन है, कैसे वो आम बन जाते हैं सोशल मीडिया पर, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को कई तरह से ट्रॉल किया जा चुका है अब तक, लेकिन सैवेज रिप्लाई देने भी अमिताभ बच्चन पीछे नहीं हटते हैं। अमिताभ बच्चन को जब ट्रॉल किया जाता है कई बार अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा सैवेज रिप्लाई देते हैं। कई बार अमिताभ बच्चन के जवाब ऐसे होते हैं जैसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। चलिए हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा जो ट्रॉल किया गया था, इस पर भी अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया। हमेशा से अमिताभ बच्चन ऐसा करते आए हैं। आज एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की बात करते हुए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, अमिताभ बच्चन को अपने सैवेज रिप्लाई अपने ट्वीट्स की वजह से चर्चा का विषय बनते हुए देखा गया है। जी हाँ, एक बार नहीं कई बार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर टॉक का विषय बनते आए हैं। बच्चन साहब को लेकर कई तरह के ट्वीट आपने इससे पहले भी देखे होंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के ट्वीट्स काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एक बार अमिताभ ने ट्वीट किया था पिंक द इनक्रेडिबल अटेंशन इट इज़ गेटिंग इन फिनोमिनल अटेंशन प्लीज इमेंस प्रेज इमेंस लव। अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने आप को, अपने लुक्स को लेकर अलग तरह के कमेंट किए थे जिसे लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई थी। यहाँ आपको बताना चाहेंगे अमिताभ ने एक बार लिखा व्हेन यू कंप्लेन यू मेक योर सेल्फ अ विक्टिम, लीव द सिचुएशन चेंज द सिचुएशन और एक्सेप्ट इट और एल्स इज मैडनेस। अमिताभ अपने हालातों पर इस तरह से बात करते आए हैं। अमिताभ बच्चन ने स्लीप पर बात करते हुए एक बार एक पोस्ट किया था और लिखा था कैसे कि इस वक्त मॉडर्न एंड टूडेज साइंस हैज फाइनली डिस्कवर्ड द रीज़न व्हाई वी स्लीप टू बी एबल टू चार्ज आवर मोबाइल्स। दरअसल अमिताभ के ये जो ट्वीट होते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉजिक से भरे भी होते हैं, कई बार फनी भी होते हैं। अमिताभ ने एक बार एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा पेंट बियॉन्ड वर्ड्स एट द लॉज ऑफ लाइफ ऑफ आवर जवान्स एंड ऑफिसर्स द गॉड टुडे प्रेयर्स इन साइलेंट मॉर्निंग। अमिताभ इस तरह से अपना दर्द भी झलकाते आए हैं। आपको बता दें यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में कि काफ़ी ज़्यादा अमिताभ के इन कारनामों की चर्चा होती है, फ़ोन की उनकी लत काफ़ी बड़ी है। अमिताभ बच्चन के इस तरह के ट्वीट की वजह से उनका काफ़ी मजाक भी बनता रहा है। अमिताभ बच्चन ने एक बार लिखा था कुछ ऐसा जिसके बाद उनके एक फ़ैन ने उनके फ़ोटो पर कमेंट करते हुए लिखा व्हाट्सएप चैट जया यू आर सो सेल्फिश आई एम नॉट टॉकिंग टू यू बाय बिग बी कर देंगे बाय। जया बच्चन अगर उन्हें सेल्फिश कहेंगे तो बिग बी सीधा बाय कर देंगे, ऐसे अमिताभ के इस लुक का मजाक बनाया गया। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए केक पैलेट्रा नाम के शख्स ने लिखा बच्चन सर हाई टाइम समवन टेल्स हिम इट्स ओके टू ट्वीट विदाउट अ पिक, यानी कि बिना फोटो के अमिताभ जो एक भी ट्वीट नहीं करते हैं इसके लिए अमिताभ का ऐसा मजाक बनाया जाता है, ये उनकी आदत है। जिस पर अमिताभ ने लिखा मैनी दैट कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आस्क व्हाई आई पुट अप ओनली माई पिक्चर्स आंसर बिकॉज आई वॉन्ट टू गॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। अमिताभ को जब ट्रॉल किया गया तो अमिताभ ने गुस्से में जवाब भी दिया किसी को क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहे कितनी भी फ़ोटो अपनी क्लिक कराऊं
अमिताभ ने जब ये जवाब दिया ट्विटर पर, जब उनके बार बार फोटोज क्लिक करने पर लोगों ने बात रखी, तो अमिताभ ने गुस्से में कहा किसे क्या प्रॉब्लम है। तो अमिताभ बच्चन को उनके फैंस ने जवाब भी दिया। आपको बता दें कि अमिताभ अपनी हर फोटो में जो है ख़ास तौर पर देखा जाए तो किसी भी कोर्ट में अपनी फ़ोटो जरूर शेयर करते हैं। बात चाहे किसी भी करें, किसी भी हालातों की करें, अमिताभ अपनी ही फ़ोटो शेयर करते हैं। इसे लेकर ही अमिताभ बच्चन के फ़ोटो का मजाक बनाया गया। तो अमिताभ बच्चन ने ये जब कहा तो अमिताभ बच्चन को जवाब मिला, एग्जैक्टली नो वन शुड एंड इफ दे डू हु केयर्स लेस सर बिटवीन यू आर जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड वी वांट ओनली योर पिक्स। ये कहा जब ट्रॉलर्स को इग्नोर करने के लिए अमिताभ बच्चन को सलाह भी दी गई। और इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम तो आपको बता दें कि उनके सैवेज रिप्लाई की इसलिए ख़ास तौर पर बात होती है क्योंकि वो ट्रॉलर्स को जवाब देने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के काम की ही तारीफ नहीं होती है, अभी भी एंग्री मन वाले एटीट्यूड की बात हो तो उनके एटीट्यूड की तारीफ होती है। अमिताभ बच्चन ने जब ये कहा तो आर्या नाम के एक शख्स ने लिखा, जी बिल्कुल नहीं एटीट्यूड सर, एटीट्यूड अभी भी वही एंग्री मन मैन, यानी कि अभी भी अमिताभ वही एंग्री मन है, अभी भी इतना ही गुस्सा है उनमें। एंग्री यंग मैन नहीं, एंग्री ओल्ड मैन है अमिताभ, ये किरण राधा ने कहा जब गुस्से में अमिताभ ने जवाब दिया। ये ट्रॉलर्स को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को इस तरह से जवाब देकर देखा गया फिर से ट्रॉल होते हुए। इतना ही नहीं, आपको जानकारी देना चाहेंगे ट्रॉलर्स को जवाब देने वाले अमिताभ बच्चन की बात हो रही है तो आपको बताना चाहेंगे कि एक शख्स ने लिखा, दीपक सिंगल साहब इंसाफ चाहिए, और आप जैसे वकील जो गलत को गलत और सही को सही कर बात करते हैं भेदभाव वाले चेहरे पर तमाचा मारे। यानी कि अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर इस तरह के जवाब उन्हें सुनने को मिलते हैं। अमिताभ को इसके बावजूद कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लोग ट्रॉल करें वो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले, रिसेंटली अमिताभ ने कुछ और भी ट्वीट्स किए थे जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। इसकी जानकारी देते आपको, अमिताभ ने लिखा, श्री राम नवमी पर पोस्ट उन्होंने शेयर किया। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने द रोड्स टू गॉडेस एंड वेलबींग इज पव्ड विथ प्रेयर्स लिखा, क्योंकि महामारी की वजह से काफ़ी बुरे हालात हैं महाराष्ट्र में, मुंबई की।